जो 1.3 के सम्स मैंने आप लोगों को बोला था ट्राई करने के लिए, फोर्थ वाला किया सभी ने प्रैक्टिस? फोर्थ वाला सम ट्राई किया आप लोगों ने? आया प्राची, सॉल्व किया? कहां तक सॉल्व किया मैंने ये बताया, मतलब कहा था आप लोगों को एट तक सॉल्व करना? कैसे ट्राई करने बोला था आपने, होमवर्क में दिया था? हाँ तो आया क्या वो अभिषेक? हाँ अभिषेक आया ये सब सम? यस सर, आंसर राइट आ रहे थे मेरे। ओके आगे प्रोसीड करते सर, आ रहा था सम। हाँ तो क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया था, कौन सा गलत आया प्राची? अनम्यूट करके माइक बोलो जल्दी सर। मतलब एक टर्म नहीं आया है मेरा, लास्ट टर्म। अच्छा लास्ट वाला, फोर्थ वाला करा दो फिर, देखो क्या है। So let y is equals to, let y is equals to x square plus 2x plus 2 the whole raised to 3 upon 2 और उसके डिनोमिनेटर में है अंडर रूट x plus 3 the whole raised to, यहां पे 3 है, into cos x the whole raised to x है। So, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखो अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है सो दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करते हैं। फंक्शन हमारा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं। सो देखो अगर हम लॉग अप्लाई कर देंगे इसमें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सो ये क्या आ जाएगा, लॉग वाई। अच्छा ये बताओ लॉग ए अपॉन बी है ना, ये क्या है, log a अपॉन b है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log a log a माइनस ऑफ log जो है वो b हो जाएगा। b के लिए क्या है यहाँ पे, अंडर रूट x प्लस 3 द होल क्यूब इंटू क्या है, cos x द होल रेस टू x। इतना समझा सर? ये एक ही स्टेप में कर सकते हैं ना, माइनस और प्लस ये दोनों? हाँ हाँ सब 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 जो है अपना एक स्टेप में भी कर सकते हो। हाँ सर ठीक है। तो अब ये जो है पावर में जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, फैक्टर में आ जाएगा। तो जो पावर था वो किस में आ जाएगा, फैक्टर में। सो थ्री अपॉन टू पहले आ जाएगा, लॉग ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस।
अच्छा देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, सो दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा प्लस, बट बाहर क्या है, हाँ बाहर क्या है माइनस है, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, पावर में थ्री कहाँ पे आएगा बताओ, सामने आ जाएगा, हाँ सामने आ जाएगा मतलब फैक्टर में आ जाएगा, और माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, और जो पावर में एक्स था वो कहाँ पे आ जाएगा फैक्टर में। सो देखो ये लॉग वाई इज इक्वल्स टू ये सब टर्म्स हमें मिला, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब डिफरेंशिएट करोगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से तो ये क्या आ जाएगा लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा वन अपॉन वाई, हाँ लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आता है वन अपॉन वाई आता है, और वाई के लिए डीवाई अपॉन डी एक्स, थ्री अपॉन टू जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन बाय एक्स, तो ये वन अपॉन पूरा टर्म आ जाएगा, वन अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, और फिर इसका ही डेरिवेटिव निकालेंगे, ये जो लॉग के साथ में है ना उसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो लॉग के साथ में देखो कौन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखूं टू एक्स, टू एक्स आ जाएगा, टू जो है ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन वन और टू का जीरो हो जाएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है माइनस ऑफ थ्री, माइनस ऑफ थ्री ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर रूट का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन अपॉन टू रूट हो जाएगा, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तब यू इंटू वी रूल यूज होगा, कौन सा रूल यूज हो जाएगा यहाँ पे यू इंटू वी, तो यू इंटू वी रूल जब अप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये कैसे हो जाएगा ना, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म बाहर रहेगा डी अपॉन डी एक्स किसका होगा कॉस एक्स का, फिर माइनस सेकेंड टर्म बाहर रहेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, माइनस सेकेंड टर्म बाहर होगा डी अपॉन डी एक्स किसका होगा फर्स्ट टर्म का। प्राची इतना समझा अच्छे से, हाँ आवाज आ रही है, यस सर आ रही है, चलो अच्छा ये देखो ये दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है टू, हाँ सो टू बाहर निकालेंगे तो ये टू और ये टू क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, सो देखो क्या बचेगा यहाँ पे थ्री बचेगा, और इसमें से हमने टू अगर कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन अपॉन क्या है टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा थ्री अपॉन टू आ जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस थ्री सेकेंड पार्ट हो जाएगा, और माइनस ऑफ एक्स वैसी रहेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यस सर, हाँ यू और वी के रूल के बीच में प्लस आता है बराबर, हाँ प्लस आ जाएगा सॉरी, हाँ और कॉस एक्स यहाँ पे वैसी रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा वन, सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ध्यान से इसमें ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थ्री एक्स प्लस वन अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस ऑफ थ्री अपॉन टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, और लास्ट के लिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा और माइनस ऑफ क्या होगा कॉस एक्स, और ये जो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है वो ये साइड में y चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है y मल्टीप्लाई में है तो y का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, y का वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू
द होल रेस टू 3/2 और डिनोमिनेटर में भी वैसे ही अंडर रूट एक्स प्लस 3 द होल रेस टू 3 इंटू कॉस एक्स द होल रेस टू एक्स है और बाकी टर्म्स आप लोग वैसे ही लिखो, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। समझा सभी को ये अच्छे से? यस सर। सर हाँ बोलो सर, यू इंटरव्यूर में लॉग भी तो है वहां पर। कहाँ पे लॉग है सर? यू इंटरव्यूर लगाया ना। अरे हाँ शिट, वहां पर लॉग भी है सर। बराबर, मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। थर्ड पार्ट, अच्छा ये देखो थर्ड पार्ट मैं सिर्फ यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट हम डायरेक्ट पुट करेंगे, थर्ड पार्ट यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट को हम लोग सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, जो थर्ड पार्ट है तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। लेट y इज इक्वल्स टू x इंटू log cos x हो जाएगा, थर्ड पार्ट को ही सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx ये क्या होगा log cos x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस log cos x और d अपॉन dx किसका होगा x का, तो ये x वैसे ही रहेगा। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाता है, और यहाँ पे क्या आएगा log cos x आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ x साइन अपॉन cos क्या होगा tan x हो जाएगा प्लस log cos x हो जाएगा, ये जो है ये क्या है dy अपॉन dx। बस ये वैल्यू यहाँ पे लिख देना, मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस x tan x प्लस log cos x हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में सॉल्व कर लोगे ना इसको? यस सर कर लेंगे, यस सर कर लेंगे। हाँ तो अच्छा, इसमें बाकी के सम्स जो है 6, 7, 8 इसमें देखो ये इजी है बहुत, u इनटू v रूल ही अप्लाई करना है, x tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स पहले आ जाएगा तो log x बन जाएगा, x पहले आ जाएगा जैसे ये cos वाला किया था वैसे ये sin वाला भी करना है, और ये sin x रेस टू x है तो x पहले आ जाएगा, x log sin x हो जाएगा, तो ये बाकी तीनों कर लोगे ना? यस सर। अच्छा नेक्स्ट सम देखो अभी क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर देखो मोर देन वन फंक्शन आ जाते हैं जिसमें हमें सब में लॉग अप्लाई करना होता है, देखो लॉग जो है हम लोग प्लस में नहीं अप्लाई कर सकते, लॉग जो है वो हम लोग प्लस में अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट देखो एक्स रेस टू ई है, दूसरा जो है वो एक्स रेस टू एक्स है, थर्ड जो है वो ई रेस टू एक्स है, और फोर्थ जो है वो ई रेस टू ई है। अच्छा ये ई जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, तो e का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू e क्या हो जाएगा ये बताओ? जीरो। हाँ ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। e रेस टू x का डेरिवेटिव? e रेस टू x। हाँ देखो दो पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, अब बाकी दो पार्ट है। अच्छा x रेस टू e है, x रेस टू क्या e है, e कांस्टेंट टर्म है तो मतलब x रेस टू n है, ये x रेस टू n का क्या फॉर्मूला था n इंटू x रेस टू n माइनस 1, तो x रेस टू e के लिए क्या होगा बताओ? e इंटू x रेस टू e माइनस 1। हाँ बराबर। अच्छा यहाँ पे x रेस टू x है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है अपने को, ये पर्टिकुलर पार्ट को हमें सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर हमें एक से ज्यादा फंक्शन दिया है प्लस में तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम, एक मिनट आ, सेकेंड का फर्स्ट सम, एक्स रेस टू ई है प्लस एक्स रेस टू एक्स है, महालक्ष्मी ई रेस टू ई का जो है, ई जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो ई का पावर भी कांस्टेंट टर्म है, तो जब कांस्टेंट टर्म के पावर में कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा ना?
और फिर नेक्स्ट जो है हाँ e raise to x है, और लास्ट जो है वो e raise to e है। तो हम इसको ना सबको अलग अलग फंक्शन यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जितने फंक्शन है सबको अलग अलग कंसीडर करो। सो लेट y इज इक्वल्स टू e raise to x, सॉरी लेट y इज इक्वल्स टू x raise to e प्लस x raise to x प्लस e raise to x प्लस e raise to e। सो अब हमने इसको कंसीडर कर लिया y is equals to, फर्स्ट को हम u कंसीडर कर लेते हैं, सेकेंड को v कंसीडर कर लेते हैं, और फिर इसको w कंसीडर कर लेते हैं, इसको t कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, जितने फंक्शन है उतना आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर हम सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx प्लस dt अपॉन dx। इतना समझा सभी को? Yes, sir. हम सबसे पहले सब फंक्शन को डिफाइन किए, एक u है, एक v है, फिर एक w है और एक t है, सबको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। अच्छा, हमें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का वैल्यू पता है, सेकंड के लिए हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो सेकंड को हमने क्या कंसीडर किया है, वी कंसीडर किया है। सो लेट वी इज इक्वल्स टू, एक मिनट, लेट वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एक्स। अब दोनों साइड क्या कंसिडर करोगे, लॉग लॉग कंसिडर करोगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो ये क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल्स टू log x रेस टू x। x रेस टू x को हम लोग कहां लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में। इतना समझा? Yes, sir. हाँ, तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं वापस, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 upon v आ जाएगा, ये dv by dx हो जाएगा। सो u into v रूल अप्लाई करो, x बाहर आ जाएगा, d upon dx किसका होगा, log x का, फिर log x बाहर आ जाएगा, d upon dx किसका होगा, x का। समझा यहां तक अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 upon x, और log x यहां पे वैसे रहेगा, और x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। तो x और x कैंसल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 प्लस क्या होगा, log x हो जाएगा, और ये dv अपॉन dx है, तो यहाँ पे v जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। v का वैल्यू बताओ क्या है, x into log x raise to x। हाँ, v के लिए क्या है, x raise to x है, तो x raise to x into क्या होगा, 1 प्लस log x हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत बोर्ड एग्जाम में आता भी है ये, सिर्फ इतना पार्ट फाइंड करने के लाता है, x raise to x का डेरिवेटिव बोर्ड एग्जाम में पूछता है। सो देखो, अब हमने इसका डेरिवेटिव सेपरेट फाइंड कर लिया, बाकी का डेरिवेटिव तो हमें पता है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, सो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे, dy upon dx है, तो फर्स्ट जो था वो x रेस टू e था, तो उसका क्या होगा, e इंटू x रेस टू e माइनस 1, और दूसरा जो था उसका हमें मिला x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x, और थर्ड जो था e रेस टू x, तो e रेस टू x, और लास्ट वाला जो है वो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इजी था ना ये? यस सर। करने के लिए कितना हुआ? क्या मिलेगा, ये 2 marks के लिए आता है अंकुश। ओके, हाँ, 2 marks के लिए आता है। देखो नेक्स्ट सम भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेकंड सम, ये जो है ना, ये सम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इतना पार्ट आता है पेपर में, x raise to x, ये सिर्फ इतना पार्ट जो है ना पेपर में आता है कि फाइंड, ये 3 marks के लिए आता है x raise to x, ये इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट जो है इसमें x raise to x है, इसको मतलब नॉर्मल, मतलब
कहीं कहीं पे देखोगे तो इसको बटरफ्लाई वाला सम बोलते हैं, ठीक है। ये जो है एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स है, तो ये है और इसमें ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स है। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। अच्छा आप लोगों के कॉलेज में ये सब चैप्टर हो गया है? नो सर। यस सर। यस सर। लेट वाई इज इक्वल्स टू, लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स। सो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं अच्छे से, कि मतलब हाँ ओमकार? यस सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि और कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो रहे हैं ना अभी? हाँ सब क्लियर हो रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स दिया है। सो अब इसका डेरिवेटिव देखो कैसे फाइंड करोगे। तो पहले ना इन दोनों फंक्शन को कुछ असाइन करो। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट यू कंसिडर कर लेते हैं और v कंसीडर कर लेते हैं, u और v। तो पहले u को सॉल्व करो, इसका डेरिवेटिव जो होगा तो फिर बाद में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। सो ये क्या आ जाएगा, लॉग u, ये क्या आ जाएगा, लॉग u इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं ना, इसमें जो बेस x है उसके पावर में जितने भी x है वो सब फैक्टर में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x रेस टू x इंटू क्या है, log x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे u इंटू v रूल अप्लाई करेंगे। सो देखो u इंटू v रूल अप्लाई करो तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx हो जाएगा, 1 अपॉन u इंटू du बाय dx आ जाएगा। तो ये x रेस टू x है, सो डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा। फिर लॉग एक्स बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, एक्स रेस टू एक्स का। तो सबसे फर्स्ट जो है एक्स रेस टू एक्स ऐसे लिखो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। और फिर लॉग एक्स हम वैसे ही कंसिडर करते हैं। अच्छा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा सर, x रेस टू n के फॉर्मेट में आएगा क्या? नहीं नहीं ये देखो ध्यान से देखो, अभी 1 0 x रेस टू x है, x log x, ध्यान से सोचो अभी मैंने बताया, x रेस टू x का डेरिवेटिव x इनटू log क्या, पहले वाले सम में हम लोग फाइंड आउट किए थे ना। हाँ, जो पहले वाले सम में किए थे 1 प्लस log x। हाँ सही। तो x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो पहले वाले सम में हमने सॉल्व किया था x रेस टू x, अगर याद नहीं होगा ना तो इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद नहीं होगा ना ये x रेस टू x का क्या डेरिवेटिव होगा तो इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा। तो अब यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, x रेस टू x है, सो x रेस टू x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 अपॉन x, सेकंड ब्रैकेट में log x इंटू 1 प्लस log x बचेगा। और यहां पे ये जो है 1 अपॉन u इंटू क्या है, du अपॉन dx है। सो देयरफॉर du अपॉन dx इज इक्वल्स टू u, ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x रेस टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। ये बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या सर, वो x रेस टू x का फिर से बताओ ना एक बार।
ओमकर ये x रेस टू x का डेरिवेटिव इसके पहले वाले सम में देखो हमने सॉल्व किया था, x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या मिला था, x रेस टू x इनटू 1 प्लस log x। हाँ सर, हाँ समझ गया सर। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया उसको। हाँ सर। हाँ u के लिए देखो क्या है, अभी u के लिए जो था वो था एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स इंटू क्या, एक्स रेस टू एक्स यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है। ये क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स है। तो फर्स्ट पार्ट समझा सभी को अच्छे से? यस सर। यस सर। अब सेकेंड पार्ट जो है हमें सॉल्व करना है, वी के लिए करना है। तो v के लिए सॉल्व करो, देखो बेसिक है, हाँ सब है, u इंटू v रूल अप्लाई कर रहे हो और कुछ नहीं है इसमें। तो v के लिए देखो यहाँ पे क्या है, v के लिए e रेस टू x रेस टू x है, v के लिए क्या है e रेस टू x रेस टू x है। सो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, सो इसमें भी दोनों साइड लॉग ले लो, सो टेकिंग लॉग तो ये क्या आ जाएगा, लॉग v आ जाएगा इज इक्वल्स टू log v हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो दोनों टर्म्स को बाहर लिख सकते हो या तो एक ही को बाहर रखो, क्योंकि e raise to x का डेरिवेटिव हमें पता है। क्या करूं, दोनों फंक्शन को बाहर लिखूं कि किसी एक को ही लिखूं? हाँ किसी एक को रखना है, तो x इंटू क्या आ जाएगा, log e raise to x आ जाएगा। अब इसमें u इंटू v रूल अप्लाई करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन वी डी वी बाय डी एक्स। तो ये एक्स बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई रेस टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग ई रेस टू एक्स डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, एक्स का। अच्छा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, सॉरी लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ई रेस टू एक्स है। देखो कैसे लिखोगे इसको, वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स को हमने बाहर रखा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। फिर यहां पे क्या है, लॉग ई रेस टू एक्स है, लॉग क्या है ई रेस टू एक्स है, और यहां पे एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है? सर। अच्छा, ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स कैंसिल कर दो, तो ये क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और ये जो एक्स पावर में है वो फैक्टर में आ जाएगा, तो एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा। लॉग ई वन होते हैं ना? हाँ, लॉग ई वन हो जाएगा। एक मिनट ना, कहीं पे कुछ गलती तो हो गई क्या? एक मिनट, एक्स का तो वन हो जाएगा, ये टू एक्स हो जाएगा। एक काम करो, हाँ वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही रखने दो, ई रेस टू एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। सो देयरफॉर यहाँ पे मल्टीप्लाई होके वो वी आ जाएगा, तो वी का वैल्यू पुट कर दोगे तो ई रेस टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस लॉग ई रेस टू एक्स, ये क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों का वैल्यू पुट करके थर्ड और सेकंड का वैल्यू जो है फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो हमें dy by dx मिल जाएगा। समझा कि नहीं समझा? यस सर, सब्स्टिट्यूट कर दो ना आप एक बार। क्या सब्स्टिट्यूट करके दिखा दीजिए ना। सब्स्टिट्यूट क्या करना है इसमें, dy by dy by dx is equals to क्या आएगा, first का जो derivative किया वो लिखो, dy by dx क्या है, y is equals to क्या है, u plus v है, ठीक है। तो इसका जब derivative करेगा तो dy upon dx और ये du upon dx plus dv by dx, सिर्फ first term लिखना है plus second term लिखना है, ये first part लिखना है यहाँ पे, फिर इसके बाद में ये जो है second part है उसको यहाँ पे लिख देना है। समझा अच्छे से? यस सर। सभी को समझाइए अच्छे से? यस सर।
क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड देखो क्या दिया है, लेट वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू एक्स माइनस ऑफ कॉस रेस टू कॉट एक्स है। माइनस ऑफ कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है या फिर कुछ अरेंजमेंट भी करना रहेगा? नहीं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, अगर देखो उसमें कुछ कॉमन वगैरह निकलता है तो कॉमन कंसीडर करो, ठीक है? तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है, सो u y is equals to u minus v हो जाएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, सो ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लो, ठीक है? पहले वाले सब में मैंने ऐसे नहीं लिखा था, बट ऐसे ही लिखा करो। फर्स्ट जो है वो u है और सेकंड क्या है v है, तो जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये क्या आ जाएगा, ये जो है वो क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो u के लिए क्या है यहाँ पे, log x द होल रेस टू x है, log x द होल रेस टू x है, तो दोनों साइड log कंसीडर करो। सो जब दोनों साइड log कंसीडर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, log u इक्वल्स टू x इंटू क्या आ जाएगा, और log log x हो जाएगा। समझा इतना? Yes, sir. सो अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो log u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसमें u इंटू v रूल अप्लाई करो, इसमें जो है u इंटू v रूल अप्लाई करो तो x बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स किसका होगा, log log x का, प्लस log log x बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, x का। इतना समझा अच्छे से? Yes, sir. हाँ। Then इसके बाद next step जो है, x बाहर है, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 upon x, so 1 upon log x हो जाएगा। फिर किसका डेरिवेटिव निकालोगे? log x का 1 upon x आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, log log x है और डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या है, du यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू ये पूरा टर्म हो जाएगा, u इंटू ये पूरा टर्म हो जाएगा। तो u के लिए देखो क्या है हमारे पास, u के लिए log x द होल रेस टू x है, log x द होल रेस टू x है और यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन क्या बचेगा, log x प्लस log log x। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया du अपॉन डी एक्स का, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। v के लिए क्या है, cos x द होल रेस टू cot x है, cos x द होल रेस टू क्या है, cot x है। सो इसको हमने, एक मिनट, सो इसको हम कंसीडर करते हैं, v इज इक्वल्स टू cos x द होल रेस टू कॉट एक्स। इसमें भी हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं, सो जब लॉग अप्लाई करोगे सो ये क्या आ जाएगा, लॉग वी हो जाएगा इज इक्वल्स टू कॉट एक्स इंटू क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। इतना समझा सभी को अच्छे से? यस सर। अब इसमें ना हम लोग u इंटू v रूल अप्लाई करते हैं, तो जब u इंटू v रूल अप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v के लिए डेरिवेटिव 1 अपॉन v आ जाएगा, log v का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन v dv अपॉन dx आ जाएगा। cot x बाहर रखो, d अपॉन dx किसका होगा, log cos x का, और फिर log cos x बाहर रहेगा
डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, कॉस एक्स का, सॉरी कॉट एक्स का। तो ये हमने u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया। u इंटू वी रूल अप्लाई करने के बाद में कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स बाहर ही रहेगा, लॉग कॉस एक्स है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं वन अपॉन एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, माइनस साइन। इतना समझा? यस सर। हाँ, अब यहां पे क्या है, लॉग कॉस एक्स है, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, हाँ माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो अब ये जो वी है इसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। सो डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी आ जाएगा। कॉट को क्या लिखते हो, कॉस, कॉस अपॉन साइन ना, कॉट को क्या लिखोगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन क्या है, कॉस एक्स है फर्स्ट टर्म। अच्छा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा फर्स्ट टर्म में कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो वन आ जाएगा। वी के लिए बताओ क्या है, वी के लिए कॉस एक्स द होल रेस टू कॉट एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस वन माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स है। अब ये थर्ड इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं। तो अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्स्ट में। सो इसको देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री dy upon dx is equals to, मैं इसका लिख देता हूं यहां पे क्या है, log x the whole raised to x है, ब्रैकेट के अंदर 1 upon log x है, फिर दूसरा जो है वो log log x है, ठीक है, और जो माइनस ऑफ dv upon dx है वो ये पूरा टर्म है। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, बताओ? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तो ये बताओ इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है ना, तो माइनस साइन कॉमन है तो माइनस साइन यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ मतलब ये जो है आंसर अपना ये सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा। समझा अच्छे से? देखो लेंदी है बट कैसे, सिर्फ u इंटू v रूल अप्लाई कर रहे हो और कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक डेरिवेटिव है। टफ लग रहा है क्या ये सब सम? कौन सा ये क्या? ये देखो महालक्ष्मी, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर रहे हैं फिर माइनस सेकंड का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स में से डी वी बाय डी एक्स को माइनस करना है, तो डी यू अपॉन डी एक्स ये पूरा पार्ट है, फर्स्ट जो हमने डेरिवेटिव किया ये सेकंड इक्वेशन हो गया, तो सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन के साथ में। तो ये देखो यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन है, ये अपना डी यू अपॉन डी एक्स है, ये डी वी बाय डी एक्स है, नहीं समझा बेबी? अंकुश क्या बोल रहा था? कंफ्यूज क्यों लग रहा है इसमें, यू इंटू वी रूल तो अप्लाई कर रहे हो ना, सिर्फ लेंदी होने की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। यस सर, यस सर, वही लेंदी।
अरे तो इसमें क्या करना क्या है, सिर्फ लॉग अप्लाई करना है, फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसको यू इंटू वी रूल अप्लाई करना है, जो जिसका डेरिवेटिव है वो यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लॉग कॉस एक्स है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, फिर कॉट का माइनस को सिक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब समझ आएंगे, और अभी कैसे नोटबुक में मैं लिख रहा हूँ तो ये तुम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन बच्चे मतलब ऑफलाइन ही जल्दी किसी को नहीं समझता ये सब, तो ऑनलाइन की बातें छोड़ दो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तुम लोगों को? यस सर समझ रहा है। हाँ प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस तो कैसे कोई भी चैप्टर हो इजी होगा वो भी नहीं आएगा अगर नहीं करेगा। ठीक है अब नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है। नेक्स्ट सम क्या है, एक्स ई रेस टू एक्स है, एक्स ई रेस टू एक्स है प्लस लॉग एक्स साइन एक्स है, फोर्थ वाला सम। लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं ना अंकुश, हम लोग जो फर्स्ट टर्म है इसको यू कंसीडर कर और दूसरे को वी कंसीडर करो, फर्स्ट को यू और दूसरे को वी। तो वाई के लिए हमने इसको यू कंसीडर किया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यू प्लस वी, बट हमें फाइंड क्या करना है dy अपॉन dx, तो इनको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। समझा इतना? यस सर। अंकुश समझा इतना? हाँ अब u के लिए देखो क्या है, u के लिए हमारे पास x e raise to x है, u के लिए क्या है x e raise to x है। अब दोनों साइड हम log अप्लाई करते हैं, so taking log on both the sides, तो ये क्या हो जाएगा log u हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा e raise to x बाहर आ जाएगा, और ये क्या होगा log x हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? स्नेहा, साक्षी, साहिली, निजाम, सुहेल, हर्षदा? नो सर। हाँ सो आप क्या करोगे, इसमें यू इंटू वी रूल अप्लाई करो, इसमें जो है हम लोग u into v rule apply करते हैं। सो जब u into v rule apply करोगे, आज इतने कम लोग क्यों है, मतलब 24 ही है। इतने टाइम कॉलेज का भी लेक्चर्स होता है क्या? नो सर। नो सर इस टाइम नहीं चलता है कॉलेज का लेक्चर, तो मतलब सब लेक्चर्स में ऐसे ही रहते हैं क्या अभी? सर इससे पहले वाले लेक्चर में थे सब। अच्छा हाँ, बट डेरिवेटिव के लेक्चर्स में रेगुलर रहो, हाँ क्योंकि अगर नहीं रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं समझेगा। देखो यहाँ पे क्या है ये, हाँ इसमें हम क्या करते हैं यू इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। सो यू इंटू वी रूल जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहले लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आ जाएगा वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सो ये क्या है यहाँ पे यू इंटू वी रूल के लिए, ई रेस टू एक्स बाहर, डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा लॉग एक्स का, फिर लॉग एक्स बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा ई रेस टू एक्स का। So, अब e raise to x बाहर रखो, log x का डेरिवेटिव 1 upon x आ जाएगा, फिर log x बाहर रहेगा, e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x हो जाएगा, तो दोनों टर्म्स में से
हम लोग यहाँ पे u को मल्टीप्लाई कर देते हैं, e रेस टू x बाहर लिखो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस log x हो जाएगा। तो u का वैल्यू जो है, u के लिए क्या था, x e रेस टू x था, तो यहाँ पे x e रेस टू x है इंटू e रेस टू x 1 अपॉन x प्लस log x है, ये क्या है du अपॉन dx है। सभी को इतना समझा अच्छे से? Yes, sir. हाँ, तो जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं v के लिए। v के लिए क्या है, यहाँ पे log x है और क्या है sin x है, तो अब यहाँ पे u इसमें भी हम लोग log कंसीडर करते हैं, तो जब log कंसीडर करोगे सो यहाँ पे लिखो टेकिंग log, तो ये क्या हो जाएगा log v हो जाएगा इज इक्वल्स टू साइन x हो जाएगा और यहाँ पे log log x हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें u इंटू v रूल अप्लाई करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, सो log v के लिए डेरिवेटिव 1 अपॉन v आ जाएगा और ये क्या होगा dv अपॉन dx हो जाएगा। तो एक फंक्शन बाहर रखो, साइन बाहर है अगर, तो डेरिवेटिव जो है वो किसका होगा log log x का, फिर log log x बाहर आ जाएगा, फिर d अपॉन dx किसका होगा साइन का हो जाएगा, ठीक है। तो log log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है, बट यहां पे क्या है log x है, तो 1 अपॉन log x आ जाएगा, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा, फिर ये क्या है log log x है, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos हो जाएगा, dv अपॉन dx है। तो ये जो है dv अपॉन dx, ये जो है 1 अपॉन v, ये साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक मिनट है। सो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा इसके लिए, मतलब dv के लिए, तो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे v का टर्म आ जाएगा और फर्स्ट टर्म में क्या है साइन x है अपॉन x log x है प्लस दूसरा टर्म जो है cos x इंटू log log x है। तो हम v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जब कर देंगे तो v के लिए log x था और क्या था पावर में साइन x था और बाकी का टर्म वैसे ही साइन x और x log x प्लस cos x इंटू log log x, ये थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लो। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, तब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे du अपॉन dx का और dv बाय dx का, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना तुम लोग, ये देखो ये सेकेंड इक्वेशन है और यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन है, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को प्लस कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ये सॉल्व। यस सर। समझा कि नहीं समझा अच्छे से, ये कैसे करना है सम? यस सर, समझ रहा है। यस सर। अच्छा ये सम सॉल्व करोगे खुद से बताओ। e raise to tan x है, e raise to क्या है tan x है, तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं e raise to tan x के लिए, e raise to x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, e raise to x। हाँ तो e raise to tan x का क्या होगा, e raise to tan x। हाँ e raise to tan x हो जाएगा और tan का क्या होगा x square। हाँ तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ना सॉल्व। यस सर। हाँ बोलो, फर्स्ट पार्ट जो है वो हो जाएगा सॉल्व। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लॉग साइन है और यहाँ पे लॉग टैन है, तो ये लॉग साइन था यहाँ पे लॉग टैन है, तो दोनों सॉल्व कर लोगे ना, जैसे साइन के लिए सॉल्व किया था वैसे टैन के लिए, टैन एक्स लॉग लॉग एक्स।
हाँ मतलब जैसे इसको सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा फिफ्थ वाला सम। यस सर ट्राई करो, ये फिफ्थ वाला ट्राई करो, सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ वाला कर लोगे कि वो भी सॉल्व करा दो, बताओ देखो। ट्राई करेंगे, टैन पहले आ जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ये कॉट एक्स पहले आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू क्या होगा लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। तो फाइव और सिक्स जो है होमवर्क है, देखो नेक्स्ट सम क्या है, टेन रेस टू एक्स रेस टू एक्स है, और दूसरा जो है एक्स रेस टू टेन है, और थर्ड जो है वो एक्स रेस टू टेन रेस टू एक्स है। यू वी और डब्ल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है, यू वी और डब्ल्यू कंसिडर करते हैं। सो लेट वाई इज इक्वल्स टू टेन रेस टू एक्स रेस टू एक्स, दूसरा जो है एक्स रेस टू टेन है, और थर्ड जो है एक्स रेस टू टेन रेस टू एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं इसको यू वी और डब्ल्यू, ठीक है, तो यू वी और डब्ल्यू कंसिडर करते हैं, तो वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये इतना समझा? यस सर। अब u के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो u के लिए सॉल्व करो, u के लिए क्या है यहाँ पे 10 रेस टू x रेस टू x है, सो यहाँ पे log कंसिडर करते हैं, सो टेकिंग log, तो ये क्या आ जाएगा log u। अब यहाँ पे x को हम पहले लिख लेते हैं, तो x इंटू क्या आ जाएगा log 10 रेस टू x, इतना समझा? यस सर। ठीक है, तो ये जब हो गया तो अब इसमें अब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का डेरिवेटिव वन अपॉन यू इंटू क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अच्छा एक्स जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो बाहर डेरिवेटिव जो है वो किसका, मतलब दो फंक्शन होते हैं ना, तो लॉग टेन रेस टू एक्स, फिर लॉग टेन रेस टू एक्स बाहर, फिर डेरिवेटिव किसका x का। ठीक है, सो ये जो है x वैसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 1 अपॉन 10 रेस टू x हो जाएगा, और 10 रेस टू x का डेरिवेटिव 10 रेस टू x इंटू log 10, और यहां पे क्या है log 10 रेस टू x इंटू 1, तो ये देखो 10 रेस टू x और 10 रेस टू x दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x log 10 बचेगा, और यहाँ पे log 10 रेस टू x बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे u। इतना समझा आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब u का वैल्यू पुट कर दो, या तो देखो इसको हम लोग ना यहाँ पे 10 रेस टू x ऐसे लिख सकते हैं, 10 रेस टू x यहाँ पे भी 10 रेस टू x है, तो दो बार आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे u के प्लेस पे डी यू अपॉन डी एक्स, यू के प्लेस पे 10 रेस टू एक्स रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या मिला x log 10 मिला, तो log 10 रेस टू x प्लस log 10 रेस टू x, ये दो बार आ जाएगा। समझा ये 10 रेस टू x कैसे आया? Yes, sir. 10 रेस टू x रेस टू x, सॉरी यहाँ पे 2 log 10 रेस टू x हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट मतलब सेकंड पार्ट हो जाएगा, वैसे ही इसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे x रेस टू 10 को, तो x रेस टू 10 में से हम लोग x रेस टू 10 को बाहर लिख लेंगे, x रेस टू 10 को बाहर लिखोगे तो क्या आएगा x रेस टू 10 इंटू लॉग x हो जाएगा, तो v के लिए जो है v के लिए x रेस टू 10 हो जाएगा, सो इसमें भी log कंसिडर करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा log v इज इक्वल्स टू x रेस टू 10 पहले आ जाएगा इंटू क्या होगा log x हो जाएगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से, सर इसमें तो ये क्या आ जाएगा, क्या
फैक्टर हम लोग सिर्फ 10 को ले सकते हैं क्या? x रेस टू x का फिर डिफरेंशिएट करना x रेस टू x को, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ वैसे भी कर सकते हो, कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx, तो x रेस टू 10 को बाहर, d अपॉन dx किसका होगा? log x का हो जाएगा, फिर log x बाहर, एक मिनट, log x बाहर, फिर d अपॉन dx किसका हो जाएगा? x रेस टू 10 का, ठीक है? सो x रेस टू 10 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा? 1 अपॉन x, log x बाहर, x रेस टू 10 का डेरिवेटिव 10x रेस टू 9 हो जाएगा, सो x और x कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो x रेस टू 9 यहाँ पे भी, x रेस टू 9 यहाँ पे भी है, सो x रेस टू 9 बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 log x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, dv अपॉन dx, सो v का वैल्यू पुट कर दो, तो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, v के लिए क्या था? x रेस टू 10, और यहाँ पे x रेस टू 9, 1 प्लस 10 log x, समझा इतना? यस सर। ये जो है हमने v के लिए सॉल्व कर लिया, u हो गया, v हो गया, और w के लिए x रेस टू 10 रेस टू x है, तो इसमें भी हम लोग log कंसीडर कर लेते हैं, सो टेकिंग log, तो ये क्या आ जाएगा? log w हो जाएगा, यहाँ पे 10 रेस टू x आ जाएगा इंटू log x हो जाएगा, समझा इतना? Yes. हाँ, तो इसका डेरिवेटिव करो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बस देखो तीन सम को एक में एक कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एक सम सॉल्व करते थे, अब यहाँ पे दो से ज्यादा, मतलब तीन टर्म्स को एक साथ में दे दिया है, तो ये log w के लिए 1 अपॉन w इंटू क्या होगा? dw अपॉन dx हो जाएगा, 10 रेस टू x बाहर, d अपॉन dx किसका होगा? log x का, फिर log x बाहर हो जाएगा, d अपॉन dx किसका होगा? 10 रेस टू x का, इतना समझा? Yes, sir. हाँ, सो ये 10 रेस टू x वैसी रहेगा, log x का 1 अपॉन x, फिर log x वैसी रहेगा, 10 रेस टू x का 10 रेस टू x इंटू log 10, सॉरी हाँ, अच्छा 10 रेस टू x कॉमन निकाल लो, तो ये 1 अपॉन x प्लस क्या मिल जाएगा? log x इंटू log 10 मिल जाएगा, और आप क्या करोगे यहाँ पे, ये जो dw अपॉन dx है वो यहाँ पे w हो जाएगा, तो w का वैल्यू जो है वो x रेस टू 10 रेस टू x है, और यहाँ पे 10 रेस टू x और ये ब्रैकेट का पार्ट एज इट इज, तो तीनों जो इक्वेशन है ना, देखो ये हमने सेकंड के लिए था और ये थर्ड के लिए हो गया और ये फोर्थ हो जाएगा, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको dy बाय dx मिल जाएगा, सिर्फ तीनों को, तीनों टर्म्स को हमें प्लस करना है, तो ये सब समझा सभी को? यस सर, यस सर। हाँ, इसका पीडीएफ जो भी है, मैं अभी मतलब जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे शेयर करता हूँ, ठीक है? यस सर, ओके सर, हाँ थैंक यू, हाँ बोलो, थैंक यू सर, हाँ।